जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरजे खुश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करेंगे 27 तारीख को आने वाली काल भैरव अष्टमी के बारे में। तो काल भैरव अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में अगर कोई शत्रु हो तो वे आपको तंग ना करें, परेशान ना करें, आपका जीवन बड़ा ही स्मूथली चले। और इसी के साथ साथ जानेंगे अष्टमी कब से कब तक है और किस प्रकार से घर में बड़ी आसान विधि से पूजन करना चाहिए। घर में ना कर पाएं तो आसपास में मंदिर में अगर भैरव जी की प्रतिमा है तो वहां पर जाकर किस प्रकार से आपको पूजन करना है, चलिए सारी जानकारी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है। मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी 27 नवंबर की सुबह 5:42 पर लग रही है अष्टमी, और रहेगी 28 तारीख की सुबह 5:59 तक, अर्थात लगभग 6 के आसपास तक। तो 27 तारीख पूरा दिन ही अष्टमी है, तो इस दिन किस तरह से काल भैरव जी का पूजन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। काल भैरव अष्टमी के दिन पूजन किस तरह से करना चाहिए, इससे पहले आपको थोड़ी सी ज़रूरी जानकारी दे दें कि भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, भक्तों को अभय देने वाले विश्वेश्वर स्वरूप और दुष्टों को दंड देने वाले काल भैरव स्वरूप। जहाँ विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांत है, वहीं उनका भैरव स्वरूप अत्यंत रौद्र, भयानक, विकराल और प्रचंड रूप है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अनुसार परमेश्वर सदा शिव ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप में अवतार लिया, इसलिए उन्हें साक्षात भगवान शिव ही मानना चाहिए। काल अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन को काल भैरव अष्टमी या फिर भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के अंश होने के कारण इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, और साथ ही भैरव अष्टमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, आपको आपके शत्रुओं से निजात मिलती है। पूजा विधान जानने से पहले ये जान लीजिए कि पूजा किस समय पर करनी चाहिए। भैरव जी का जन्म मध्यान्ह में हुआ था, इसलिए मध्यान्ह व्यापिनी अष्टमी ही लेनी चाहिए। इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रम एवं स्नान से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। कोई भी कार्य करे हमेशा संकल्प से ही करना चाहिए। भैरव जी के मंदिर में जाइए, वाहन सहित उनकी पूजा करें। उनका वाहन कौन है? श्वान। तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पंचोपचार विधि या षोडशोपचार पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करें। इस पाठ को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचोपचार विधि में भगवान भैरव जी के लिए इमृति के मिष्ठान का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान भैरव जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भैरव जी का वाहन श्वान है, तो इस दिन श्वान को मिष्ठान जरूर खिलाएं। ये उपाय करने से काल भैरव जी के साथ साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपको काला कुत्ता नहीं मिलता तो आप किसी अन्य को भी खिला सकते हैं, इस बात का आप विचार ना करें। उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, इससे उनके सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। घर में अगर आप पूजन करें, घर में भगवान भैरव जी की अगर प्रतिमा आप रखते हैं, अगर आपके पास है प्रतिमा आपके मंदिर में स्थापित, तो हमेशा भगवान भैरव जी का हमेशा सौम्य रूप, मुस्कुराता हुआ स्वरूप ही घर के मंदिर में रखना चाहिए। रौद्र रूप कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सभी सदस्यों में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, जिससे घर का वातावरण खराब होता है। घर के सभी सदस्यों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए घर के मंदिर में हमेशा मुस्कुराती हुई प्रतिमा को ही स्थापित करना चाहिए और उन्हीं का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से उपाय किए जाएं। देखिए,
भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप है, इसलिए इस दिन भगवान शिव का पूजन करने का बहुत ही विशेष विधान है। तो 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो आपकी मन की सभी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये कार्य ज़रूर करें। फिर इसके बाद काल भैरव जी के दर्शन, आपके घर के आसपास काल भैरव जी का मंदिर है तो नित्य अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अगले 40 दिन तक नित्य आप काल भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य करें। इससे भगवान भैरव जी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी इच्छाओं में भी पूर्ति होती है। तो ये 40वां नियम अवश्य अपनाएं। इस नियम के अपनाने से भगवान भोलेनाथ जी भी अति प्रसन्न होते हैं, उनका सौम्य रूप आप पर कृपा बरसाता है। तो अवश्य ये कार्य ज़रूर करें। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, भगवान काल भैरव की उत्पत्ति शिव भगवान के रुद्र रूप में हुई। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से काल भैरव भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इनके सौम्य रूप भगवान बटुक भैरव जी का पूजन होता है। इस दिन व्रत करने से व्रतधारी के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से हमेशा भगवान काल भैरवनाथ जी की कृपा बनी रहती है। तो अवश्य ये कार्य करें, उनके सौम्य रूप का पूजन करें, मंत्र जाप करें, ताकि आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां भी दूर हो जाएं और आप पर कभी भी आपके शत्रु हावी ना रहें। फिर इसके बाद काल भैरव जी की विशेष कृपा पाने के लिए 5 नींबू साबुत पीले बिना दाग के 5 नींबू भैरव जी को ज़रूर अर्पित करें, मंदिर में ही अर्पित करें। और साथ ही तेल से बनी हुई खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, पकौड़े पुए, इस प्रकार की कोई भी खाद्य सामग्री ज़रूर बनाएं और भैरव जी को भोग लगाएं। भोग लगाकर भैरव जी का भैरव 40वां पाठ अवश्य करें। इस क्रिया से भगवान की आप पर विशेष कृपा होगी, शत्रु आपके पास भी नहीं फटकेंगे और साथ ही साथ आपके सभी प्रकार के पापों का शमन भी होगा। देखिए, यहाँ पे एक खास बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। भैरवनाथ जी तंत्र के देवता हैं, इसलिए कोई भी आपको इस दिन तंत्र विद्या करने के लिए कहे या कुछ ऐसी साधना करने को कहे, कभी भी अकेले अपने आप इस साधना को ना करें, किसी की देख रेख में करें, नहीं तो आपको इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि भगवान भैरवनाथ रुद्र रूप हैं और जितनी जल्दी वे प्रसन्न होते हैं उतने ही जल्दी वे क्रोधित भी होते हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी लोगों को केवल और केवल सात्विक पूजन ही करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर आ सकें, अपने शत्रुओं से निजात पा सकें। तो जब भी कोई उपाय करें, मन में यही चीज़ का ध्यान करके करें कि आपको आपकी मुसीबतों से निकाले, ना कि किसी और को नुकसान पहुंचाने हेतु किया जाए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। YouTube पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तरह तरह के उपाय मिलेंगे, लेकिन चुनाव आपको करना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया आपको अगर समझ में नहीं आती है तो सभी उपायों को छोड़ केवल और केवल पूजन करें, जाप करें। जो भी मंत्र आपको आता है या जो यहाँ स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन मंत्रों का जाप करें और अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान भैरव जी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। जय जिनेन्द्र।